व्हाट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन? तो बोराजीन को हम इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। अब ये बोराजीन होता क्या है? डाइबोरेन होता है B2S6, और डाइबोरेन अगर अमोनिया के साथ मिक्स हो जाए तो ये बोराजीन बनाता है B3N3H6। इसको बैलेंस कर लें, यहाँ ट्वाइस लगा दूँ और ये थ्राइस हो जाएगा और ये सिक्स हो जाएगा और यहाँ पर 12 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो ये जो B3N3H6 है इसको हम बोलते हैं बोराजीन या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब बोराजीन का स्ट्रक्चर कैसा है? तीन बोरॉन है और तीन नाइट्रोजन है। ये तीन बोरॉन है और तीन नाइट्रोजन है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। छह हाइड्रोजन, सिक्स हाइड्रोजन, तीन बोरॉन बना लिए, तीन नाइट्रोजन बना लिए, सिक्स हाइड्रोजन बना दो, मतलब सभी पर वन वन हाइड्रोजन है। इसके बाद नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी है, यहां पर भी एक लोन पेयर है, यहां पर भी एक लोन पेयर है, यहां पर भी एक लोन पेयर है, और ये जो बोरॉन है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो एक डेटेव बॉन्ड ये नाइट्रोजन इससे ऐसा बनाएगा, एक डेटेव बॉन्ड ऐसा बनेगा, एक डेटेव बॉन्ड ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर डेटेव बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से ये बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा यहाँ पर। ये पूरा बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है, डबल सिंगल डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल बॉन्ड। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर एक भी कार्बन नहीं है, बोरॉन और नाइट्रोजन है। तो यहाँ कार्बन एब्सेंट है, इसलिए हमने इसको कहा है इनऑर्गेनिक बेंजीन। वाई Bf6-3 इज नॉट नोन? Bf6-3 नहीं मिलता लेकिन AlF6-3 मिलता है, ऐसा क्यों? अब इसके लिए सबसे पहले बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर लिखते हैं हम 5। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p1, 2s2 ये दो इलेक्ट्रॉन, 2p1 ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब ये बोरॉन की ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में बोरॉन बॉन्ड नहीं बनाता, एक्साइटेड स्टेट में बनाता है। और एक्साइटेशन जो होता है ये 2s से 2p होगा। यहाँ पर अगर सेम ऑर्बिट है, जैसे सेकेंड ऑर्बिट है, 2s 2p दोनों ही सेकेंड ऑर्बिट है, तो सेम ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें एक्साइटेशन होता है। अब ये 1s2 यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आएगा, वो ट्रांजिशन हो जाएगा। अगर ऑर्बिट चेंज हुआ, फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट आ रहा, तो वो ट्रांजिशन है और दिस इज एक्साइटेशन। तो यहाँ पर बोरॉन की एक्साइटेड स्टेट हम बनाते हैं। ये बोरॉन के ऊपर हमने स्टार लगा दिया, एक्साइटेड स्टेट 1s2, 2s1 और 2p2। 2s2 यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन है और 2p2 यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक्साइटेड स्टेट हो गई बोरॉन की। अब Bf6-3 की बात कर रहा है। अब ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाए। तो पहला फ्लोरीन इससे जुड़ जाएगा, फिर दूसरा फ्लोरीन, फिर तीसरा फ्लोरीन और फिर ये फ्लोरीन माइनस। फ्लोरीन माइनस मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा। तो यहाँ पर Bf4- तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2d ऑर्बिटल नहीं है,
कि फर्दर एफ माइनस एकोमोडेट कर पाए। तो यहाँ पर हमें ये बोलना है कि वाई बी एफ सिक्स माइनस थ्री इज नॉट नोन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल इन बोरॉन, या स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन भी कह सकते हैं। अब डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से इट कैन नॉट एकोमोडेट सिक्स फ्लोरीन आयन, या इट कैन नॉट फॉर्म बी एफ सिक्स माइनस थ्री आयन। वॉट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन? तो बोराजीन को हम इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। अब ये बोराजीन होता क्या है? डाइबोरेन होता है B2S6, और डाइबोरेन अगर अमोनिया के साथ मिक्स हो जाए तो ये बोराजीन बनाता है B3N3H6। इसको बैलेंस कर लें, यहाँ ट्वाइस लगा दूँ और ये थ्राइस हो जाएगा और ये सिक्स हो जाएगा, और यहाँ पर 12 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो ये जो B3N3H6 है इसको हम बोलते हैं बोराजीन या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब बोराजीन का स्ट्रक्चर कैसा है? तीन बोरॉन है और तीन नाइट्रोजन है। ये तीन बोरॉन है और तीन नाइट्रोजन है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। छह हाइड्रोजन है, सिक्स हाइड्रोजन, तीन बोरॉन बना लिए, तीन नाइट्रोजन बना लिए, सिक्स हाइड्रोजन बना दो, मतलब सभी पर वन वन हाइड्रोजन है। इसके बाद नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी है, यहाँ पर भी एक लोन पेयर है, यहाँ पर भी एक लोन पेयर है, यहाँ पर भी एक लोन पेयर है, और ये जो बोरॉन है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो एक डेटिव बॉन्ड ये नाइट्रोजन इससे ऐसा बनाएगा, एक डेटिव बॉन्ड ऐसा बनेगा, एक डेटिव बॉन्ड ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर डेटिव बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से ये बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा यहाँ पर। ये पूरा बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है, डबल सिंगल डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल बॉन्ड। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर एक भी कार्बन नहीं है, बोरॉन और नाइट्रोजन है। तो यहाँ कार्बन एब्सेंट है, इसलिए हमने इसको कहा है इनऑर्गेनिक बेंजीन। एक्सप्लेन वाई TlNO3 होल थ्राइस एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो थैलियम, ये जो थैलियम है ये कौन से ग्रुप में आता है? ये 13 ग्रुप में आता है, बोरॉन फैमिली में। ये 13 ग्रुप है, बोरॉन वाले ग्रुप में आता है। बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, एल्यूमिनियम की +3, लेकिन टेलूरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ज़्यादा स्टेबल होती है। उसका रीज़न है डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है मेटल की ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। अब यहाँ पर है +1 ज़्यादा स्टेबल होती है, तो यहाँ पर थैलियम नाइट्रेट है और यहाँ पर TlNO3 होल थ्राइस। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो यहाँ थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3, और +3 आएगी मतलब कि ये क्या चाहता है, +1 बनाना चाहता है, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करना चाहता है।
कम करना चाहता है, मतलब इसके सामने जो आएगा ये उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब उसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये Tl प्लस वन इज मोर स्टेबल और ये Tl प्लस थ्री ये लेस स्टेबल है। तो Tl प्लस थ्री सामने जो भी आएगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजेस। अदर्स एंड गेन इलेक्ट्रॉन। इसलिए Tl प्लस थ्री एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वाई HNO3 इज ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर। तो एल्यूमिनियम कंटेनर में हम HNO3 को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एल्यूमिनियम कंटेनर की वॉल है, और होता क्या है कि एल्यूमिनियम HNO3 के साथ मिलकर Al2O3 बना लेता है, और ये जो Al2O3 है ये पैसिव ऑक्साइड लेयर है। मतलब यहाँ पर एक पैसिव ऑक्साइड लेयर लग जाएगी, HNO3 जैसे ही एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगा ये Al2O3 बना लेगा। अब HNO3 फर्दर एल्यूमिनियम से रिएक्ट नहीं करेगा, तो एल्यूमिनियम को डैमेज नहीं। वाई AlCl3 फॉर्म्स डायमर वेयर एज BCl3 इज नॉट। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में तीन बॉन्ड होंगे और तीन क्लोरीन एटम अटैच होंगे, वैसे ही ये दूसरा एल्यूमिनियम है जहाँ पर थ्री क्लोरीन एटम अटैच होंगे। ये पहला AlCl3, ये दूसरा AlCl3। अब इस एल्यूमिनियम का ऑक्टेट है इनकम्प्लीट, 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन हुए, ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। एल्यूमिनियम ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एल्यूमिनियम का ये क्लोरीन, इस एल्यूमिनियम का ये क्लोरीन इस एल्यूमिनियम को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, डेटिव बॉन्ड बना लेगा, और ये क्लोरीन इस एल्यूमिनियम को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, डेटिव बॉन्ड बना लेगा। इसलिए AlCl3 यहाँ पर डायमर बना लेगा। अब ये पॉसिबल क्यों हो पाया? अब ये BCl3 में नहीं हो रहा, लेकिन AlCl3 में पॉसिबल कैसे हो पाया? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। 3s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3p1 मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर जैसे लोन पेयर डोनेट करने वाली बात है, तो ये यहाँ पर ये एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी, तीन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये खाली ऑर्बिटल है जिसमें एल्यूमिनियम अपना ये अगला क्लोरीन अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम एक एक्स्ट्रा लोन पेयर एकोमोडेट कर सकता है क्योंकि उसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। वाई CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड वाइल SiCl4 कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। SiCl4 का हाइड्रोलिसिस हो सकता है, अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों। ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, ये इसका कॉन्फिगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। होगा क्या, ये इस स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाता, एक्साइटेड स्टेट में बनाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ चला जाएगा, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट ऐसी होगी, ये एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये चला गया। अब 4 Cl इससे मिल जाएंगे, तो इस तरीके से 4 Cl से ये बॉन्ड बना लेगा, तो ये बन गया SiCl4। अब सिलिकॉन की एक खास बात यह है कि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। अब उन्होंने बोला SiCl4 का हाइड्रोलिसिस करना है, तो हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस क्या होती है? ये SiCl4 है, इस तरीके से ये SiCl4 है,
और वाटर, वाटर अगर आ रहा है H2O, तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, इसको ऐसा लिख देता हूं मैं, H2O, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये सिलिकन में जाकर पहले सिलिकन से बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, डेटिव बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने की वजह से यहां वाटर अपना लोन पेयर रख देगा। अगर एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होते तो ये वाटर अपना लोन पेयर यहां नहीं रख पाता, इससे बॉन्ड नहीं बना पाता। अब इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, ओ एच और एच, इस तरीके से। अब ये HCl निकल जाएगा और ये OH यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ ऐसा ही Cl 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 एंड OH, ऐसा तीन बार और होगा, ऐसा तीन बार और होगा, तो ऐसा ही, तो यहाँ चार OH लग जाएंगे। इसको हम बोलेंगे सिलिसिक एसिड। तो ऐसा ही Cl4 का हाइड्रोलिसिस इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके पास एम्प्टी 3D ऑर्बिटल होते हैं जहां पर वाटर अपने लोन पेयर रख सकता है, मतलब इस तरह का बॉन्ड बना सकता है। इस तरह का जब बॉन्ड बनेगा तभी HCl निकलेगा और OH उसकी जगह जुड़ेगा। ऐसा चार बार होगा तो सिलिसिक एसिड बन जाएगा। अब CCl4 ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि CCl का कॉन्फिग्रेशन, कार्बन का हम कॉन्फिग्रेशन देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फिग्रेशन होगा 1s2, 2s2, 2p2, 2s2 दो इलेक्ट्रॉन, 2p2 दो इलेक्ट्रॉन। चलो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहां आ गया, ये 1 और 3 हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट। चार क्लोरीन से तो ये जुड़ जाएगा लेकिन वाटर कहाँ एकोमोडेट होगा, 2D तो होता ही नहीं है। तो कार्बन में 2D एब्सेंट होने की वजह से वाटर उससे जुड़ नहीं पाता, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाता। वहीं ऐसा ही Cl4 में एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने की वजह से उसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। व्हाई ग्रेफाइट इज यूज एज अ लुब्रिकेंट? ग्रेफाइट लुब्रिकेंट की तरह क्यों यूज होता है, मतलब ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के काम क्यों आता है? ग्रेफाइट का मतलब जो ग्रीस होता है वो एक तरह का ग्रेफाइट ही है, जो साइकिल में लगाते हैं, साइकिल के टायर्स में लगाते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए और टायर जो है वो फ्रीली मूव करे। तो यहाँ पर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसमें दो लेयर होती है इस तरह से, दिस इज लेयर 1 और दिस वन इज लेयर 2, और इन दो लेयर्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। तो पहली बात ग्रेफाइट की कि ये जो कार्बन है, ग्रेफाइट का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और एक लेयर ये है जो हेक्सागन है और दूसरी लेयर ये है, यहाँ पर सब जगह कार्बन एटम है, और इन दो लेयर के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर एक और दो, इन दोनों लेयर के बीच वीक फोर्स होने की वजह से ये दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो सकती है, और इस तरीके से स्लाइड होने से वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। दैट इज़ व्हाई ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेंट।